हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली. वेलकम बैक टू evidyarthi.in. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम के साथ. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 122, थ्योरम नंबर 7.3. सो लेट्स सी क्या है हमारे क्वेश्चन थ्योरम में. द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सो स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है, कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा सोचने में. क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, सो दैट मीन्स कि मेरे पास एक ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं. सो लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल से एबीसी. ठीक है, देन व्हाट दे आर सेइंग, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. सो ऐसा हो सकता है कि मुझे बी और सी इक्वल गिवन हो. ठीक है, नाउ दिस मस्ट बी द केस कि यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे दिया गया जहां पर आपके पास दो ऑपोजिट एंगल्स उस ट्राइंगल के इक्वल हैं. सो अगर कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, सो वी वुड कंक्लूड, हम इस थ्योरम से क्या सीख के कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी साइड एंगल के ऑपोजिट एक साइड है, फॉर एग्जाम्पल एंगल बी के जो ऑपोजिट एक साइड है वो कौन सी है, ए सी है. ठीक है, सिमिलरली एंगल सी के जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, ए बी है. ऑपोजिट मतलब कि सामने जो साइड है. सो अगर आप कहते हो कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया जा रहा है, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. तो यानी कि हमें पहले से बता दिया गया कि भाई आपके एंगल्स तो इक्वल है. सो अगर ऐसा है कि एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो द साइड्स अगेन जो उन एंगल्स के ऑपोजिट है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसके लिए बात करूं बी के लिए, तो ए सी साइड, और सिमिलरली ए बी साइड फॉर एंगल सी, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है, तो ये हमें हमारा थ्योरम कहता है. प्लस अगर कभी हमें इसे प्रूव करने के लिए आता है, सो हाउ कैन वी शो दैट, वी कैन मेक अ परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स. ठीक है, सो अगर मुझे इसे एक कॉन्ग्रेंसी से, मतलब बेसिकली मुझे ये दिखाना है कि आपको प्रूफ करना है कि इसकी साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रेंसी से अगर हमें दिखाना है, सो व्हाट वी कैन डू, हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री का आपका एंगल होने वाला है. देन वी हैव टू एंगल्स, दो एंगल्स इसके इक्वल हो गए हैं, प्लस हमारे पास एक कॉमन साइड है, हमारे पास एक एंगल है जिसको हम 90 डिग्री दिखाते हैं. तो तीन रीजंस तो हमें वैसे भी आराम से मिल जाएंगे, सो कॉन्ग्रेंट भी दिखा सकते हैं. बट आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ समझना जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होगा, कोई भी जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं जिसमें इतना इजी फिगर नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कई बार आपको दे सकते हैं, सो वहां पर आपको बस फिगर आउट ये करना है दैट अगर आप किसी भी ट्राइंगल में हैं और आपके पास दो ऑपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं, कि आपने कुछ कैलकुलेट करा और आपके एंगल्स इक्वल आ गए, सो आप उसे क्या कंक्लूड कर पाओगे कि दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं आपके इक्वल एंगल्स के थ्रू जो आपको मिली है, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है, सो बस यही है इसके थ्योरम में. इससे पहले भी एक थ्योरम है जिसमें इसी का हमें उल्टा दे रखा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 7.3 जो है, ये जो आपकी बुक में 7.3 थ्योरम दे रखी है, ये 7.2 का ही कन्वर्स दे रखा है. कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या गिवन है कि अगर आपकी दो साइड्स इक्वल है, सो द साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स है, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, है ना. सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी रूप में आ सकता है, और आपको बस स्टेटमेंट को याद रख के उसको अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ. नाउ अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय.